नदी आवाज लो मैं आ गया। कितने दिन से आ नहीं रहा था ना ऐसे प्रैंक में, इसलिए आ जाया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार और आज करने जा रहा हूँ मैं अपनी वाइफ पे प्रैंक। पहला प्रैंक है मेरी वाइफ पे, और आप लोगों को पता है मेरी वाइफ कौन है, शैली शर्मा। और काफ़ी दिन से लाइक हमारी शादी को अभी दो मंथ होने ज़्यादा ही हो गए और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब आप पूछो मत। मतलब हम यूट्यूब पे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, बट हमारी कौन करेगा हमें खुद नहीं पता था। इसलिए दो महीने से इतने डरे थे, क्या बताऊँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा खिचपिच हो गई थी लाइफ में। उसके बाद शादी एकदम से हो गई, एक दिन में ही होती, वैसे कोई धूम धड़के वाला नहीं हुआ था। और फिर सीरीज़ पे आ गए, सीरीज शूट करने के लिए। उसके बाद बहुत सारे काम थे, जो कहीं जाना था आना था वो करके आए। फिर अभी सीरीज़ की एडिटिंग भी कर रहा हूँ मैं, जो कि जल्दी आने वाली है AKY फिल्म प्रोडक्शन पे, ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ब्लॉग जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो ब्लॉग में हम पूरा फुल बताएंगे आपको वीडियो के साथ, कि हमारी शादी कैसे हुई थी और कितनी मुश्किल से हुई थी और एक दिन में हमने कैसे क्या किया था, तो वो सारे ब्लॉग आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो ब्लॉग वाले चैनल को भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और काफ़ी दिन से शैली ये मेरे को कह रही है कि तुम रिवील क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक अभी तो सब कुछ सही हो गया। तो मैं भी सोच रहा था एक अच्छे टाइम पे रिवील कर दूंगा, क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा था 14 नवंबर को, तो मैं सोचा था यार उस दिन रिवील करता, लेकिन शैली पीछे ही पड़ गई है कि नहीं रिवील करो। तो साथ में है अमित भाई मेरे, तो मतलब आज मैंने जानबूझ के लड़ाई की है कि भाई शैली को आपके पास भेजूंगा और आपको थोड़ा सा ड्रामा करना है, ठीक है। तो मैं अमित भाई मिले हुए हैं, दोनों अमित मिले हुए हैं, शैली अकेली पड़ गई बेचारी, और अभी उनके घर पे गई हुई हो, काफ़ी देर से गई है लड़ उड़ के, और अभी उसका मुझे पता नहीं मूड कैसा है। तो अभी थोड़ी देर में आएंगे, जब भी आएंगे तो मैं कैमरा ऑन करके देखते हैं आज क्या होने वाला है। मतलब शादी के पहले तो पिटता ही था ऑलरेडी, आपको पता है, बट अब भी पिटूंगा या नहीं पिटूंगा वो आपको देखना, क्योंकि अब तो शादी होगी, शायद चेंज हो जाते लोग, लेकिन मेरी लाइफ में ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, वो मुझे पीटे ना, ठीक है। तो बस यही कहना था, काफ़ी दिन के बाद प्रैंक ऑन माय गर्लफ्रेंड से प्रैंक ऑन माय वाइफ कर दिया मैंने, और आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में। अगर वीडियो देख के आप लोगों को लगे कि वीडियो अच्छी है, बहुत मज़ा आया आपको देख के, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अभी आप इंजॉय करो, मैं अपनी एडिटिंग पूरी कर लूँ, जब तक देखते हैं कब तक आ रही है, और जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो AKY फिल्म प्रोडक्शन को, क्योंकि उस पर ही सीरीज़ आने वाली है। और मैं सोच रहा हूँ अपने बर्थडे वाले दिन डालूँ, या क्योंकि बर्थडे को मेरी दिवाली भी है, तो दिवाली से एक दिन पहले सोच रहा हूँ, या तो बर्थडे वाले दिन, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और जितना ज़्यादा प्यार दिखाओगे उतनी जल्दी मैं इस पर काम करके आपको जल्दी से ही आपके ऊपर कर दूँगा। तो बस इन्जॉय करो, बने रहो वीडियो के साथ, मैं मिलता हूँ जब आती है तो, ठीक है, बाय बाय। ए दादा आ रहा हूँ। अभी तक हुआ नहीं तुम्हारा काम, तू कर ले आके, मेरे से तो नहीं हो रहा। भैया को बुला के लाई हूँ मैं। भाई क्या दिक्कत हो गई, आधी रात को जगा दिया मेरे को। नहीं, आप वकील लगे हो क्या इसके? हाँ, पहले क्यों नहीं पूछी ये बात, अब क्यों पूछ रहे हो? हम दोनों की बात हम दोनों कर लेते ना, इनको भी बुला के ले गए। आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो तो इम्पोर्टेंट। हाँ तो अच्छी बात है, बताओ फिर, भैया ही बताएंगे, बताओ। मम्मी के सामने क्यों नहीं लड़े आप? तो मम्मी का वेट कर रहा था जाने का, गई मम्मी। अच्छा, तो ये वेट कर रहे थे कि मम्मी जाए और हम लोग लड़ाई करें। ऑब्वियसली बात है। अच्छा चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, रिवील कब कर रहे हो बताओ। अरे यार क्या भैया, रिवील क्यों नहीं कर रहे हो? शादी कर ली, दो महीना हो गया, कह रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो? अब क्या बताएं कि हमने एक दिन में भाग भाग के शादी की है, बताओ मैं इसको, लोगों को जाके ये बताऊं क्या भाग भाग बुक कर रहे हो आप? और क्या दिमाग खराब कर दो ना। अरे रिवील यार, तो मैं सोच रहा था थोड़ा सा धूमधाम से होगा, घोड़े मैं भी साला घोड़े पे बैठता, मेरी भी तमन्ना थी, वो भी मर गई, ऐसे पैजामे में उठा के ले गई, शादी करवा के लाके घर छोड़ गई। वो तो मैं पहले ये करेगा फिर मैं करूंगी, तू कर दे ना, तुझे क्या लगा? नहीं तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप अपना रीजन दो ना, मैं तो कर ही दूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत है। तू कर दे, मैं जम रहा हूं। आप अपना रीजन दो ना। लड़ाई मत करो यार,
नहीं 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 इसको बोलो कि तू कर दे पहले, ठीक है? अच्छा, अच्छा, मेरा जब दिल करेगा मैं करूंगा, मैं अभी ये नहीं कर दिल, जब दिल करेगा तब मैं करूंगा, ये कोई बात होती है? और क्या, जब दिल करता है तब खाना मिलता है ना, हैंड टू हैंड, हाथ में, वो भी खाने की लॉजिक से क्या बात कर रही है? आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है थोड़ा सा भी है तो ये खाने वाला लॉजिक ना अपने आप लगा लो कि मैंने ये बात क्यों बोली। जब हर चीज हाथ में मिलती है तो रिवील भी कर दो ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है? अभी नहीं करेंगे, अभी करेंगे एक साल, भैया इसको बोलो अगले साल करेंगे, इसको बोलो यार अगले साल कर देंगे। अरे अगले साल, अरे कितने 2 महीने रह गए यार अमित भाई, आप क्यों इसको चढ़ा रहे हो यार, आप क्यों चढ़ा रहे हो यार, छोड़ो इसको रहने दो। किसकी साइड हो, उसकी बात पे? हाँ ये तो है, मेरी बात पे? हाँ ये तो है, किसकी साइड है? नहीं नहीं दोनों की तरफ नहीं, अब एक एक की तरफ होना पड़ेगा, इसको बोलो रिवील करे अभी। यार रिवील इसलिए नहीं कर रहा हूँ अमित भाई कि मान लो जो मेरी गर्ल वाली फैन फॉलोइंग वो भी खराब हो जाएगी ना। ऐसे तो मेरी बॉयज वाली फैन फॉलोइंग नहीं थी, नहीं मेरा जब रिलेशन ओपन कराया था तब नहीं उसके बाद तो उसके 1 लाख फॉलोवर हुए, मेरे घटने चालू हो गए थे, तब नहीं सोचा कि मेरी भी कोई फैन फॉलोइंग होगी। हाँ तो तेरी फैन फॉलोइंग अच्छी है, लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं होती है। हाँ यार मैं तो कर ही दूंगी, इसको बोलो ना पहले ये रिवील करे। हाँ रिवील करता तो अच्छा रिवील होता भैया। और क्या, नहीं मैं इसके थ्रू रिवील करूंगी, मैं ही रिवील करूंगी, मतलब जो करूँ मैं ही करूँ, शादी पहले मैं ही करूँ। आपको ये इसमें लगे रहते, सिर्फ एक पोस्टर तो डालिए, करना क्या है? ये देख तुम लोग की गंदी एक्टिंग सुधार रहा हूँ इसमें। गंदी एक्टिंग मैंने नहीं की, जो तुम्हारे गंदे एक्टर है उन्होंने की होगी। देख लो आप अगर होते तो आपको ही बोल रही गंदा एक्टर। भैया तो है ही नहीं, भैया तो है ही नहीं। नहीं भैया और मेरी लड़ाई करवा रहे हो क्या अभी? लड़ाई नहीं मैं बता रहा हूँ। अरे अपनी बात क्यों छुपा रहे हो, पहले अपनी बात करो ना, एक्टरों पे कहाँ से बात आ गई? एक्टर तुम नहीं हो, तुम नहीं प्रैंक करते? हाँ तो प्रैंक, तो फिर तो अभी प्रैंक वीडियो करना बार से भाई, मूवी के अंदर से बिजी थे। एक महीना हो गया, मैं कितनी वीडियो डाली, 3 से 4 वीडियो डाली मैंने, ऊपर से इसके और लोगों ने तान रखा था मेरे पे बंदूक। किसने तान रखी थी तुम्हें नहीं पता? नहीं तो नहीं पता, तो अच्छी बात है, रहो ऐश करो, जिंदवाई करो, जो करना करते रहो, मुझसे लड़ा मत कर, काम करने दे यार, कल बात कर लो, रिवील हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे तो रिवील कर दो ना, इसमें क्या दिक्कत, मुझे आप रीजन दो, चलो आप इसके साथ रहते हो ना पूरा दिन, दोनों साइडों में ये बात बार बार क्यों बोल रहे, दोनों साइडों में क्यों बोल रहे ये बात ही बार बार? अब मैं ना आपके तकिया मारूंगी मुंह पे। कन्यादान इन्होंने किया था ना, सो रहे थे ना भैया? एक मिनट मैं उठा के लेके आई, एक मिनट, कन्यादान इन्होंने किया था, इनसे बात कर। अच्छा हाँ इनको बोल, ये जब बोलेंगे मैं रिवील कर दूंगा, बोल जब बात कर। मतलब आप कुछ भी नहीं हो, इन्होंने कन्यादान मेरा किया था, साथ में कौन बैठा था मेरे? हाँ तो किस लिए किया था, आपको भी तो कुछ मानते हैं ना, जब भी किया था ना। हाँ तो इनको बोलना, अभी ये भी नहीं बोल रहे, कह रहे भाई अभी रुक जाओ, तो इतनी जल्दीबाजी मत करो चीजों में, रुक जाओ ना, एक डेढ़ महीना हो गया ना ब्लॉग ना कुछ ना कुछ, इतना टाइम देख रही है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, दिमाग खराब करके रखो। अच्छा रीजन बताओ, जब गर्लफ्रेंड से तब भी तो आप बहुत जल्दी जल्दी रिवील करते थे, तब तो माय लव। अरे तो उस टाइम प्यार था भाई, मैंने अरे प्यार था, प्यार है मतलब उस टाइम नया नया प्यार, अब नई नई गर्लफ्रेंड बनती तो यार मत करना। मेरे को रीजन दो, मेरे को रीजन दो, नहीं तो मैं फिर चाटा भी मारूंगी। मेरे को डर लगता है इसलिए अभी नहीं कर रहा हूं, अभी डर ठीक हो जाएगा। किस चीज का डर लगता है बताओ? ऐसे डर लगता है मेरे को पत्नी, गर्लफ्रेंड है कोई, गर्लफ्रेंड मालिक इससे क्या बात, मतलब मैं किसी लड़की से बात हो रही तो गुस्सा नहीं खाएगी कि एकदम से शादी कर ली इसने? अरे वो क्यों उस बात का गुस्सा खाएगी, मैं मतलब पागल हूँ मैं? अमित भाई बताना यार, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड ना हो लेकिन दोस्त हो, अगर वो बोले मैं एकदम से बोल दूं कि मेरी शादी हो गई, तो वो तो गुस्सा करके मेरे से दोस्ती तोड़ लेगी। एक रीजन देना, एक बात का मतलब आंसर देना, फर्क दोस्तों से पड़ता है, मेरे से पड़ता है? देर से ही पड़ता है, लेकिन सुन मेरी बात, नहीं 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 हकलाओ मत, हकलाओ मत अमित, मुझे आंसर दो कि फर्क किससे पड़ता है, मेरे से या उनसे? दो उंगली है सिर्फ, एक मैं या वो? अरे तुझसे पड़ता है लेकिन बात, तो फिर क्यों नहीं रिवील कर रहे हो यार? समझ अमित भाई, समझाओ ना यार, मैं भैया की मेरी गर, 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 मेरी जो लड़कियां हैं वो कितना बुरा मान जाएंगी एकदम से। अभी तो दोस्त है जिनसे मैं बात करता हूँ, उनको मैंने बताया ही नहीं कि मैं शादी कर रहा हूं। यार बहुत दोस्त है, बहुत कौन है, दोस्त तो मेरे भी है। अब तेरे तो अलग बात है, तुम्हारी कौन सी अलग बात है फिर? अरे तो वो तेरे शादी मत कर देना इससे अच्छा, बोल देते पहले, रिवील नहीं कर पाऊंगा। जैसे एग्रीमेंट पे सारे वो लिखे जाते हैं, तो वो मेरे को लिख के दे देते पहले शादी से पहले कि ये होगा, ये होगा, इतने दिन तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ताकि मैं भी सोचती ना फिर, पागल हूँ मैं? मतलब तुम्हारे दोस्त मेरे दोस्त कुछ भी नहीं देख रहे हो, क्या बोलते हैं अमित भाई,
कल को ये बोलेगी ये कर वो कर वो कर। मैंने कब बोला? मैंने तो नहीं बोला कुछ भी, ये कर वो कर कभी जिंदगी में बोला? बस ये चीज बोली। अभी सुना दो, तू पहले ही लड़ रही है मेरे से। रिवील करो। मैं नहीं कर रहा अभी, टाइम लगेगा। अच्छा कितना टाइम लगेगा? अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कितना लगेगा? ये 2 महीने रह गए भाई अगले साल में। मैंने सोचा था, सुनो, अरे तो भैया बोलो ना इसको। मैंने सोचा था अपने नवंबर में कर दूंगा अपने बर्थडे पे, और सीरीज भी उसी टाइम लॉन्च करूंगा मैं। लेकिन अब उसमें दिवाली आ गई तो दिवाली को ऐसे रुक गया मैं। तू अपने बर्थडे तक रुक जा, दिसंबर में तेरा बर्थडे। रुको ही, मेरे को अभी रिव्यू चाहिए मुझे। अरे भाई रीजन दे दो ना, क्या है, कौन सी दोस्त है ऐसी, नाम बता दो मुझे। हां तो आप इसको बोलो ना दिसंबर में क्यों रिवील करोगे? हमारे बर्थडे पे स्पेशल। नहीं मेरे बर्थडे नहीं, अभी रिसेप्शन भी देना भाई। स्पेशल रिवील नहीं, मुझे नॉर्मल रिवील चाहिए। दो बढ़िया पार्टी करेंगे ना धूमधाम से, दुनिया को फिर पता लग गया रिवील क्या होता है। और क्या, रिसेप्शन। आप सिर्फ बोलते हो कि दोनों की साइड हो, उसके ही साइड आप, आपकी बातों से पता चल रहा है। हंस के दिखा देते हैं। अब आप बताओ, आप कौन, आप रिवील करोगे ऐसे ही? ऐसे कैसे, उनकी उनकी शादी हुई है, तुम्हारी हुई है? शादी तो मेरी हुई तो है। फिर रिवील भी तो तुम ही करोगे ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ यार, तो क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को सुननी नहीं आपकी बात। तो बस सुन, अब चुपचाप बैठी नहीं, मेरे को मैं फिर चल जा, मैं मार दूंगी अमित यार, काम करने नहीं तो फिर रिवील करो। ओए इसमें काम कर रहा हूँ मैं, बिगाड़ दूंगी सब। अमित भाई समझाना यार, काम कर रहा हूँ यार मैं, सब बिगाड़ दूंगी। चलो कल करवाते रिवील। हां चल अभी करो। नहीं मैं नहीं करूंगा, दोस्त है तो चक्कर कहाँ से? हाँ तुम दोनों बढ़िया हो यार, बढ़िया दोस्त हो, बढ़िया मेरे सामने चक्कर चक्कर बोल रहे, तुमको शर्म नहीं आती? वो तो पहले ही मारती थी, अपने लॉजिक लगा रहे हैं। आप मेरी परेशानी नहीं समझ रहे ना भैया? समझ रहे हैं हम सब। नहीं समझ रहे हैं, खेके के दांत फाड़ रहे कब से कंटिन्यू। चलो अमित भाई आप रिवील करा दो, बोल दो इसको। हाँ बोल दो, बोल दो क्या हो रहा है इसके साथ। मुझे पहले ये बताओ, कन्यादान आपने किया था ना इसका, तो आप बता दो इसके साथ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, बता दो मुझे। ये बता दो चक्कर किससे है तुम्हारा, बता दो तुम, बता मुझे चक्कर, बता दो चक्कर, बताओ मेरा किसके साथ है, बता दो ना यार, यार बता दो ना अमित भाई यार। अब तुमने बोला था ये करने के लिए, मैं बता बता रहा हूँ मैं, तुम चक्कर बता दो ना किसके साथ है चक्कर, वो देखो कैमरा से चक्कर है मेरा, प्रैंक घर पे कैसे बात की थी तुम जो यहाँ लेके आ गए? मैंने बोला था कुछ देर रोक के रखना वहाँ पे, उल्टा मैं लेने गई थी तो इनको रुकने कैसे देती वहाँ पे? वहाँ पे भी चलो अब कैमरे पे देख के हाय कर दो, रिवील हो गया। चलो करो हाय करो तुम्हारा पुराना एक्शन वाला, अब बता दो सारी कहानी यहीं पे कि ब्लॉग में बताओगे? नहीं है, हाँ मेरे ब्लॉग्स में भी मैं बताऊंगी आप लोगों को, बट ये जो इंसान बैठे ना भोला दिखता है, ये भोला बिल्कुल भी नहीं, और ये जो चक्कर वाली बात है ना ये सच है, चक्कर नहीं है ये सच है, फ्रेंड सर्कल फ्रेंड, ये पागल बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं। नहीं नहीं देख, ये जो चक्कर वाली बात है ना ये 110% सच है। नहीं चक्कर मेरा उसके साथ है, कैमरे के साथ, क्योंकि ये सबसे पहली गर्लफ्रेंड ये है मेरी, उसके बाद तुम हो, ठीक है? पहले मैंने उससे शादी की, वो तो गर्लफ्रेंड है, मैं तो बीवी हूँ, वो बीवी है, उसी की वजह से तुम मिली हो, ध्यान रखो। हाँ, समझ गए ना? हाँ, तो पूजा किया करो उसकी। अब बाकी की जो कहना बोलो तुम अपना, काम लैपटॉप ही ला दिया इसमें सारा, हो गया रिवील, हो गया, हाँ बता दे, हो गया, देखा मैं मर गया है, शादी शुदा हो गया है, मैं मेरी जिंदगी लट गई, बर्बाद हो गई।
मतलब सही चल रही है यार, क्यों गुस्से वाला मुंह बना रही है, बोल देना। हाँ तो हो गया, आपने बोल तो दिया। हाँ तो जाओ कैमरा बंद करो। ये है मेरा पति। पति अब आवे तो मारने के लिए। मेरा पति यही है। पति पति का से बोल रहा चाय पत्ती हो। हाँ। So guys, हमने finally मतलब शादी कब से करी है? हमने करी बस 2 महीने हो गए। दो नाइन नाइन नहीं ना 2 महीने। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बता रहा हूँ मैं, 2 महीने हो गए अभी, ठीक है। और हम इसलिए नहीं रिवील कर रहे थे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे, क्योंकि बहुत चक्कर थे, बहुत चक्कर थे, वाकई में बहुत चक्कर थे। इनका अलग ही चक्कर है, वाकई में हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा हो गया था। और हम लोगों के जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना, हमें खुद कंफ्यूज थे हम कैसे करें, क्योंकि जब किसी ये पढ़ती है तो समझ में नहीं आता करे क्या। तो ये बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने कन्यादान किया था, ठीक है। अगर कोई पकड़े तो इनको पकड़ के मारो। बता दूँ कि ये अच्छे खाने पोस्ट पे हैं, तो इनको हाथ लगा सकता है। और ये और नितिन ने और मोहित ने बहुत साथ दिया इस टाइम में। थैंक यू नितिन, थैंक यू मोहित, थैंक यू अमित भैया। हाँ, अगर ये नहीं होते तो हम लोग को हिम्मत नहीं आती वाकई में, ठीक है। तो अभी जो हुआ सो हुआ, बाकी का जो अगर आपको ब्लॉग देखना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। सीरीज की एडिटिंग कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत दिनों में हो जाएगी, तो वो भी आपको मतलब लाइव कर दूंगा। उसके लिए आपको AK-Film प्रोडक्शन पर जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो जल्दी से जाके उसको सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हिज चैनल। और एक बात और, अमित भाई को पोस्टिंग लगा के मैंने प्रैंक का काम दिया हुआ है, तो ये पीपल प्रैंक पे बहुत जल्दी भी खेल रहे हैं, तो जाओ इनका चैनल भी सब्सक्राइब करो। हाँ, क्योंकि भाई ये पोस्ट पे है, इस चीज का हम लोग फायदा उठाते हैं। फायदा नहीं है एक्चुअली में, ये जस्टिस मिल जाता है लोगों को कि जस्टिस, हाँ वही मिल जाता है लोगों को कि कोई भी किसी के साथ गलत कर रहा है तो भाई है, कोई चक्कर नहीं है। नितिन भी है अच्छे खासे पोस्ट में, इनके घर वाले हम लोग भी इन्हीं की वजह से बच गए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। बताओ इनको अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि हम दोनों के मैसेज बहुत भर भर के आते हैं, हमारे पास मतलब मैसेज रीड करने का टाइम नहीं होता। बाकी अपना ध्यान रखो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बाकी देखो, अगर आप नहीं होते ना तो यहाँ बहुत गंदी लड़ाई होती। कैमरे को ऐसे बच गया मैं सच में। चलो बाय बाय गाइस, बाकी ध्यान रखना, लव यू ऑल।